हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ डेंटल हॉस्पिटल। आज है मेरी अपॉइंटमेंट और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए और थोड़ी देर में निकल जाऊंगी। तो मेरे ब्रेसेस को जो है लगभग 4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या हुआ है। तो पिछली बार आपने देखा था कि इस दांत को बाहर निकालने के लिए कुछ लगाया था डॉक्टर ने, ये जो देख सकते हैं। तो ये दांत पूरा तो बाहर नहीं निकला है और इस साइड को भी नहीं आया है, लेकिन थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट है। और ये वाला जो दांत है बिल्कुल आगे की तरफ को था और बिल्कुल पीछे चला गया है। तो यहाँ पे इस साइड जो है बहुत बड़ा गैप था, क्योंकि यहाँ से जो है दांत निकाला था, तो ये गैप भी कंप्लीट हो गया है। पूरा का पूरा जो गैप है वो भर गया है, लेकिन इस साइड अभी भी जो है थोड़े थोड़े गैप है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आज मेरे साथ जो है रोहित भी जा रहा है, लेकिन अभी वो कॉलेज गया है, तो उसने मुझे बोला था कि वो कॉलेज में मिल जाएगा मुझे, तो वहां से मेरे साथ चल पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। गाइस, मैं कॉलेज गेट के पास पहुंच गई हूं और रोहित पता नहीं कब तक आएगा। तो गाइस, फाइनली रोहित आ चुका है काफी देर इंतजार करने के बाद। क्या है आप सब लोगों के, अच्छे हैं कि नहीं? बहुत ज्यादा धूप है आज सुबह सुबह, इतनी प्यारी बारिश लगी हुई थी हिमाचल प्रदेश में। कल से बारिश लगी हुई थी ना, मैंने सोचा आज ठंड होगी, तो मैंने सर्दियों के कपड़े पहन लिए, मुझे गर्मी लग रही है। देखो, सर्दियों का चोड़ा पहना हुआ इसने, गद्दी का चोड़ा बोलते हैं इसको। गाइस, अभी हम लोग जो है हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। गाइस, अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून, क्या है? सो गाइस, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। तो गाइज, आज मैं आ चुका हूँ फिर से डेंटल हॉस्पिटल में। रचना का थोड़ा सा ट्रीटमेंट है और उसको मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रीटमेंट जो है वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है और कितना हो रहा है और कितना इम्प्रूवमेंट है। तो चलिए चलते हैं अंदर। और रचना जो है अपनी सीट पर बैठ चुकी है। गाइज, वैसे मुझे तो दांत का ट्रीटमेंट करवाने का ना बहुत डर लगता है, और सुई से बहुत डर लगता है। इसको नहीं लगता, देखो लगता है, बट कुछ नहीं है। जब आप एक बार करवाना शुरू कर देते हैं तो फिर जो है अच्छी, मतलब हैबिट भी हो जाती है और अच्छी। लेकिन ट्रीटमेंट जो है दांतों का होता रहना चाहिए, 2-3 महीनों बाद रेगुलर जाना चाहिए। ये तो भाई 1 महीने बाद आती है। गुड आफ्टरनून सर, क्या हाल चाल है? नमस्कार मैम, क्या हाल चाल है? ठीक है, दोस्तों सर कह रहे हैं कि मेरे आने से यहाँ पर रौनक आ जाती है। देख अपनी तारीफ, अब तो मतलब ऐसा है कि मुझे नींद नहीं आएगी 1-2 दिन तो। अच्छा, ये वाला दांत गया थोड़ा पीछे, ये तो ऑलरेडी पीछे है, इसको थोड़ा सा पीछे कर रहे हैं, ये खुल जाएगा तब बाहर जाएगी फिर सारे में। मॉड्यूल सिंगल होते हैं, जो सिंगल लगता है जैसे ये वाले, इनको मॉड्यूल बोलते हैं। ईच है, जब तक इसके पीछे छुपा है तब तक ये बाहर नहीं आ सकता ना। जी जी, ये स्टॉप कर रहा है तो इस चीज को पहले से पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, फिर लगेंगे ऊपर के दांतों में। थोड़ी बड़ी वायर है सर, ये सबसे बड़ी, अब सबसे बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे लास्ट। अच्छा अच्छा, इसको जैसी मर्जी लगा लो, अब खाने से तो मानती नहीं है इसके इसके हाथ में जो आता है वो ही खा जाती है। मतलब जो इंसान वायरल लगने के बाद भी इतना खाता है वो तो भाई जब खुलेंगी तब तो याद ही कर देगी। अभी बोलना जो बोलना। ये है सर मॉड्यूल, है ना? एक दो चीजों की याद रह जाती है मेरे को भी। बस ठीक है, आप सारी चीजें सीख लो, फिर आपको हम स्टाफ रख लेंगे। जब तक इसके दांत आएंगे सीधे तब तक तो सीख ही जाएंगे। हाँ। धीरे धीरे ठीक है, चलो हो गया सर। ओके डन। तो गाइस, हो चुका है फिर से, अभी ये दांत पूरा बाहर नहीं आया है। इसको जो है बाहर खींच रहे हैं, फिर से यहाँ पे कुछ लगा दिया, उसको निकाल के जो पुराना वाला था
तो जब तक ये बाहर नहीं आएगा तब तक इसमें वायर नहीं पड़ेगी। और नीचे मैंने फिर से मॉड्यूल का कलर चेंज करवा दिया पिछले। तो अब हम चलते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं इसके, 15-20 मिनट के। तो गाइस अब 20 डेज के बाद फिर से आएंगे इसी हॉस्पिटल के अंदर। गाइस अभी हम लोग जो है फ्री हो गए यहाँ से, तो 10-15 मिनट का काम होता है, ज़्यादा तो होता नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो रोहित मुझ पर हंस रहा है, चलते हैं अब हम लोग, चलिए। अगर इस बॉटल का पानी ख़त्म हो जाए तो उसका ढक्कन ऐसे लो और ढक्कन अंदर डाल दो ताकि इस बॉटल को कोई यूज़ ना कर सके, क्योंकि ये रीयूजेबल बॉटल नहीं होती है, और इसे ऐसे कूड़े में फेंक दो। बड़ा तू ज्ञानी। ये तो तूने वो कॉपी कर लिया। तो मैं भी बता सकता हूँ लोगों को फिर क्या हुआ। तो गाइस इसमें जो है ये वेब सीरीज की लाइन उठाई है, इसकी अपनी नहीं है। अपना कुछ नहीं होता है ओरिजिनल, सबका चोरा चुराया ही होता है। ज्यादा प्लेटो नहीं बने। तो गाइस यहाँ से गाड़ियां जा रही हैं और रोहित को पूरा पाउडर लगा के चले गए। इसको बड़ी तकलीफ होती है धूल से, मेरे बाल खराब हो गए, मेरा चेहरा खराब हो गया। ऐसा कुछ नहीं है जी, अगर आपने 10 रुपए का साबुन खर्चा है ना, फिर अगर आप ऐसे धूल खाते हो तो फिर तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। अभी हम हॉस्पिटल से आगे गुरुद्वारे के पास पहुंच चुके हैं और अभी हम अंदर जाते हैं, माथा टेक के आते हैं। तो बहुत दिन हो गए थे गाइस, मैं बहुत दिन पहले आई थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो आज चलते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे के अंदर। तो देखिए गुरुद्वारा जो है मंडी का कितना खूबसूरत है। तो इस गुरुद्वारे का नाम है गुरु गोविंद सिंह जी गुरुद्वारा। तो ये गुरुद्वारा जो है गुरु गोविंद सिंह जी की याद में ही बनाया गया था, जब गुरु गोविंद सिंह क्योंकि यहाँ आए थे ना मंडी, तो इसी जगह पे एक महीना रहे थे। तो इस साइड से ये है एंट्रेंस, और रोहित ने तो अपना रुमाल लगा लिया है, लेकिन मैं कुछ नहीं लेके आई हूँ, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कुछ ना कुछ। आज गुरुद्वारा बिल्कुल खाली खाली सा है, बिल्कुल शांति है एकदम। अपने पाँव धो लेता हूँ। जय बाबा जी। तो हम लोगों ने जो है दर्शन कर लिए, तो अंदर जो है वीडियो नहीं बना सकते थे, इसलिए हमने नहीं बनाई। और अब हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे से। क्यों रोहित, कैसा फील हुआ यहाँ आकर के? बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। तो मैं हमेशा आती रहती हूँ, मुझे बहुत पीसफुल फील होता है। अब मैं जा रहा हूँ अपने प्ले की प्रैक्टिस के लिए। एक्चुअली हमारा प्ले है 25 तारीख को, और जो सर है हमारे वो बहुत पंक्चुअल है। वैसे आप लोगों को पहले मैंने कई बार दिखाया है, तो मैं 15 मिनट पहले ही लेट हो चुका हूँ। तो और रच्चू जा रही है एरिका से मिलने। मामी के रूप कहाँ है? कहाँ है मेरी चुई? चुई कहाँ है? चुई हाय बोल सबको। हाय हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हाँ अच्छा फोन चाहिए? ओ नहीं नहीं नहीं, फोन कौन पकड़ता है? फोन नहीं मिलेगा। अच्छा अपनी सेल्फी अपने आप लेनी। अच्छा ले सेल्फी ले सेल्फी कैसे लेते हैं? सेल्फी ले सेल्फी क्लिक सिटी बजा सिटी बजा के बोल रहे भैया ऑल इज वेल। तो गाइस हॉस्पिटल से आने के बाद मैं और एरिका सो गए थे और अभी उठ रहे हैं। एरिका गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और मम्मी बना रहे चाय, तो हम पियेंगे चाय 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 चाय। पीनी फिर फोन सेल्फी लेनी तू अपनी? फोन को झपट्टा मारती लड़की। मेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गुड़िया। हाय मम्मी। हाय मम्मी, क्या बन रहा है आज? गंगेरी। गंगेरी? गंगेरी कहाँ से लाया आप इस सीजन में? बाजार से। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑफ सीजन सब्जी। तो गाइस देखने में तो काफी यमी लग रही है, खा के देखेंगे कैसे बताएंगे। नहीं वैसे मामी बहुत टेस्टी खाना बनाती है, मामी के हाथ का खाने की हम जो है गारंटी दे सकते हैं, बहुत यमी खाना होता है मामी के हाथ का। एक चीज तो दोरी सीख रही है। नहीं इतनी तारीफ भी नहीं करनी होती मामी। अच्छा तो गाइस कुछ लोगों को जो है बहुत ज्यादा वो होता है तारीफ करने का सेल्फ। नहीं वैसे मामी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मामी बहुत से काम बहुत अच्छे करती है।
बस मेरे दांत भी बहुत अच्छे से है। बस मेरी तरह बोलती ज्यादा है थोड़ी हाँ। और ज्यादा भी और लाउड भी बोलती है मेरी तरह सेम लाउड तो है सेम पिच आगे को एरिका भी वैसी होगी और एरिका वैसी है एसटीटी तो गाइस बाहर जो है दिन से बारिश हो रही है रुक ही नहीं रही है मुझे रूम जाना था लेकिन मैं अभी भी यहीं हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जा नहीं पाऊंगी तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ आई होप आप लोगों को ये जो ब्लॉग है ये अच्छा लगेगा बाय बाय